हेलो फ्रेंड्स, आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किसी भी स्प्रिंग इमेज को एटम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तस्वीर हमारे पास ओपन है और यहाँ से हम कंट्रोल जे से इसे डुप्लीकेट करेंगे और राइट क्लिक करके इसे हम कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे और इसके थंबनेल पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और अब हम यहाँ से इमेज में जाएंगे और मूड में जाएंगे और मूड के अंदर हमारे पास लेप कलर है तो इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से आप दोबारा इमेज में जाएंगे और अब हम अप्लाई इमेज पर जाएंगे और यहाँ से हम चैनल में से बी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मल्टीप्लाई को चेंज करके हम यहाँ से लीनियर लाइट पर क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास एटम कलर इफेक्ट आ गया है। अब इसे सिंपली यहाँ से हम क्लोज करेंगे और इसे यस कर देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहले इस तरह से थी और अब इस तरह से है, लेकिन यहाँ पर इसके क्लोज पर भी इसने इफेक्ट किया है। तो सिंपली हम यहाँ से लेयर मास्क ऐड करेंगे और यहाँ से ब्रश टूल लेंगे और यहाँ पर हम ब्लैक कलर फिल करेंगे। जहाँ जहाँ पर आप चाहते हैं कि हमारे पास ओरिजिनल कलर आए तो वहाँ पर हम ब्लैक कलर फिल करते जाएंगे या फिर सिंपली आप सिलेक्शन करके इसको ब्रश से पेंट कर सकते हैं। तो ये मैंने रफली सिलेक्शन किया और यहाँ से हम ब्रश टूल लेंगे और सिंपली यहाँ से इसे हम पेंट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये था बिफोर और ये आफ्टर, बिफोर आफ्टर। तो इस तरह से आप किसी भी स्प्रिंग इमेज को एटम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।